आप सबको लग रहा होगा कि आज का वीडियो का मेन अट्रैक्शन केक है, पर ऐसा नहीं है। आज के वीडियो का मेन अट्रैक्शन है मेरी माँ। और आज के वीडियो का मेन अट्रैक्शन मेरी माँ इसलिए है क्योंकि हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को बोलूँ। तो बहुत कुछ करके, मम्मी को कन्विंस करके मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शाई है इस मामले में, क्योंकि कभी हमारी माओ को कभी आज तक, मतलब वो हमेशा से ही हाउसवाइफ रही हैं और उनको कभी ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो आके कुछ लोगों को अपनी बातें बोल सके। तो आज मेरी माँ से मिलते हैं और कुछ ऐसी बातें जानते हैं, आइए। तो ये रही मेरी माँ जो बहुत नर्वस है, हाथ ठंडे नहीं हुए अभी तक लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए अभी मम्मी से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मम्मी को बताना है कि मम्मी सबसे पहला केक कब बनाया था। हमने पहला केक सबसे पहले 87 में बनाया। 87 में बनाया? हाँ, शिलोंग में बनाया। आपने केक कब बनाना सीखा और किससे बनाना सीखा? मेरे हस्बैंड डिफेंस में था, तो हम लोग 5-6 लेडीज मिलके ये केक बनाना सीखा। तो एक्चुअली क्या होता था, मेरे पापा डिफेंस में थे तो उस वजह से ना मम्मियों का एक अलग किटी पार्टी हुआ करता था। तो उस किटी पार्टीज़ में मम्मी लोग क्या करती थी उस ज़माने की किटी पार्टीज़ में, जो जो मेरे व्यूअर्स हैं पुराने वो उनको पता होगा, और जो नए हैं, जो यंगस्टर्स हैं मेरी तरह, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे जो किटी पार्टीज़ हुआ करती थी, उस टाइम पे सभी महिलाएं एक साथ मिलके दे यूज़ टू शेयर देयर रेसिपीज़ एक साथ, एक दूसरे के साथ, और वो अलग अलग रेसिपीज़ बनाना सीखती थी। और इसी तरह से मेरी मम्मी ने बहुत कुछ बनाना सीखा, सिर्फ केक ही नहीं, कई पकवान बनाने सीखे। और आइसक्रीम की बात कहो तो मम्मी ने पहला आइसक्रीम लौकी का बनाना सीखा था। और कभी आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि लौकी का आइसक्रीम कैसे बनता है, वो भी मेरी मम्मी आप लोगों को दिखा देगी। जो ओवन आपने खरीदा था वो कितने प्राइस में खरीदा था उस टाइम 87 में? वो 30 साल का पुराना है, उस टाइम हमने उसको 4,500 में खरीदा था। 4,500? इतना सस्ता अभी तो मिलेगा ही नहीं इतने सस्ते में वो केक, मतलब वो केक ओवन उस जमाने में मिल जाता, अभी नहीं मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि आप जब केक रखते हो बनाने के बाद, करीबन एक महीने तक तो आप रखते हो, तो हमारी व्यूअर्स को आप बताओ कि सबसे इजी तरीका क्या है केक बहुत दिनों तक अच्छे से रखने का। सबसे बहुत इजी तरीका है इसको आप एयर टाइट कंटेनर में, हाँ, उसमें रख सकते हैं। हाँ, तो एक महीना तक आपको अच्छा से चल जाएगा। अच्छा से चल जाएगा। और ये मेरा खुद का, मतलब क्या कहते हैं,
एक्सपीरियंस है कि मैंने बचपन से ऐसे ही खाया है। जब मम्मी केक बनाया करती थी तो उस टाइम पे वो उसे एयर टाइट कंटेनर में ऐसे एकदम अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख देती थी और हम लोग आराम से एक महीने तक खाते थे और वो हार्ड भी नहीं होता था। सो ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, घरेलू टिप्स, और बहुत ही आसान कि मम्मी को अभी मैं बिठा के नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ ही पा रहे हो कि हमारी मम्मियों को बिठाना एक जगह पे अभी वो भी कैमरे के सामने कितना मुश्किल होता है। जो जो ऐसा करते होंगे उनको पता है। लेकिन चलिए लास्ट प्रश्न में हम जाते हैं, वो ये है कि मम्मी आप मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं मेरी बेटी बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा तरीके से आपको सिखा देगी और नया नया रेसिपी देंगे। आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उनका उनका रेसिपी आप खुद देखिए। पापा भी पीछे से हौसला बढ़ाइए और उसको और हौसला बढ़ा दीजिए, आपको और बहुत कुछ रेसिपी हम लोग हमारी बेटी देगी। चलो मम्मी ने तो काफ़ी अच्छा बोला। मम्मी बोल दी कि ये इतना कुछ बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत है, कभी सामने ऐसे बोला नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला। चलिए थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अभी हम सब मिलके केक खाएंगे। आप लोगों को तो मैं देख नहीं सकती थ्रू वीडियो थ्रू फ़ोन, लेकिन आप लोग अपने मर्जी से ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to Sarah, Sarah, what will be?